अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बताने लगी हूँ जो कि मेरे लिए नॉट वर्थ बाइंग थे, जिन्हें लेने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जस्ट वेस्ट ऑफ मनी थे। लिव गेन का ये वाला शैम्पू, ये बिल्कुल टोटली ये एंटी हेयर फॉल शैम्पू क्लेम करते हैं, बट मेरा इससे हेयर फॉल जो है वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ। ये मैंने पूरी बॉटल यूज़ कर ली और ये 100 ml की बॉटल थी, 3 to 4 5 टाइम यूज़ हुई, लेकिन मुझे इससे कोई इफेक्ट नहीं आया, मेरा हेयर फॉल इससे कंट्रोल नहीं हुआ। तो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। हेयर बियॉन्ड का ये वाला शैम्पू, ये मैंने इम्तियाज़ स्टोर से लिया था। इसके बहुत सारे वेरिएंट हैं, लाइक ये भी मैंने पूरा ही यूज़ कर लिया और ये इतना कोई फजूल शैम्पू है, आपके बालों को बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा ड्राई कर देगा, आपके बालों की तबाही फेर देगा। तो इसीलिए ऐसे कोई भी शैम्पू जिन्हें आप नहीं जानते या ये बकवास करते हैं, क्लेम करते हैं ये लॉक शाइन फार्मूला, इन्हें यूज़ ना करें, आपके बालों का टेक्सचर, बालों की तबाही फिर जाएगी जी। उसके बाद ओलिम का ये हेयर ऑयल जो है, इनके बारे में मैं बात इसलिए करने वाली हूँ क्योंकि ये क्लेम करते हैं कि ये एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बड़ा बड़ा ऊपर यही मार्क इनका है, ट्रेडमार्क लाइक टाइप के, ये इनका मार्केटिंग ही ये है कि एंटी हेयर फॉल, और ये बिल्कुल हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। उसके बाद ये बालों को खुश्की ख़त्म करता है, चमकदार ठीक है बना देता है, बालों की लंबाई में इजाफा भी नहीं करता, बालों को गिरने से भी नहीं रोकता और जड़ों से मजबूत भी नहीं करता। तो ऐसे कोई भी क्लेम जो है ना वो फजूल होते हैं। ये एंटी हेयर फॉल शैम्पू नहीं है, ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं करेगा। हाँ, ये आपको मॉइस्चराइजेशन दे देगा, या सरसों का तेल भी जो आपको दे देता है, कोकोनट ऑयल भी दे देता है। तो 330 रुपये लगाने का क्या तुक बनता है, 50 रुपये में 100 रुपये में अपनी वही वाली क्वांटिटी क्वालिटी जो है का, ये FW ऑर्गेनिक का हैंड एंड फुट वाइटनिंग स्क्रब, और मैंने इसे बहुत यूज़ किया क्योंकि मैं देखना चाहती थी, और हर दफ़ा इस्तेमाल से क्या होता है यार, इनका इतना कोई ड्राई फार्मूला है, इसके अंदर थोड़ा सा कोई मॉइस्चराइज़र ऐड कर सकते हो आप लोग, इतना ड्राई फार्मूला बनाया हुआ है कि हर दफ़ा जब मेरे स्क्रबिंग होती है, जब मैं अपने हैंड एंड फुट की स्क्रब करती हूँ, तो वो इतने कोई ड्राई हो जाते हैं और वो मज़ीद ड्राई होने की वजह से ब्लैकिश लगना शुरू हो जाते हैं, इतने फजूल। इसमें कहते हैं कि आलमंड ऑयल है और वो मॉइस्चराइजेशन देता है, लेकिन कोई जजूबा ऑयल भी कह रहे हैं, एलमंड ऑयल भी, आई डोंट नो कि कहाँ है वो जजूबा एंड एलमंड ऑयल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई फार्मूला है, बहुत ज़्यादा, और ये इतना ड्राई कर देता है आपके हाथों को, आपके पाँव को, बहुत सारा मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद कहीं जाके नॉर्मल होते हैं हाथ पाँव, लेकिन ये बहुत बकवास, वर्थ बाइंग नहीं है, पैसे ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद मैं बात करूँगी वाइटनिंग एसेंस का, ये फेयरनेस बॉडी लोशन, इसके ऊपर मैं बात करूँगी कि ये बिल्कुल वाइटनिंग इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर ही देता है, लेकिन इतना ये ड्राई फॉर्मुलेशन इसकी भी है, और इंग्रेडिएंट्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, अल्फ़ा आर्बिटन, ग्लूटाथायोन, ठीक है, और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि नेचुरल फ्रेग्रेंस, जो कि आपको आपको थोड़ा सा हाइड्रेशन प्रोवाइड करे ये भी, और ड्राई स्किन वाले बेचारे तो ये चीज़ें इस्तेमाल ही ना करें क्योंकि उनकी तो तबाही पिट जाएगी अगर ड्राई स्किन वाले ऐसी कोई भी जो है वो अप्लाई कर लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा वाइटनिंग इफ़ेक्ट भी नहीं देता और ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा ड्राइनेस कॉज करते हैं। होप यू लाइक माई वीडियो, फॉलो मी फॉर मोर एंड कमेंट्स, अगर किसी ने कुछ और जानना हो या रिव्यू करवाना हो। खैर, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।